वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सोमवार के दिन डोल ग्यारस पर्व के अवसर पर बागली के ग्राम मोक पिपलिया स्थित काली सिंध नदी में भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा तैराई गई। शाम 6 बजे ग्राम मातमोर मोक पिपलिया एवं खेड़ा गांव के ग्रामीण डोल में बिठाकर भगवान की पाषाण प्रतिमा को ढोल ताशे के साथ लेकर काली सिंध नदी पहुँचे, जहाँ पर पंडित जगदीश चंद्र श्याम वैष्णव, संतोष दास वैष्णव, मनोहर दास वैष्णव द्वारा पूजन पाठ करने के बाद काली सिंध नदी के गहरे पानी में जाकर तीनों गांवों से लाई गई, जहाँ पाषाण प्रतिमा को तैराया गया। इस वर्ष 5 बार पाषाण प्रतिमा तैरी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वर्ष काफी अच्छा निकलने वाला है। वही पाषाण प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग काली सिंध नदी पर पहुंचे। जैसे ही पाषाण प्रतिमा तैराई जा रही थी, वैसे ही भगवान के जयकारे जनता लगा रही थी। लेकिन इस बार बागली विकास खंड के SDM, तहसीलदार, SDOP, जिम्मेदार अधिकारी एक भी नजर नहीं आए। सिर्फ चापड़ा चौकी से 2 सैनिक नदी पर दिखाई दे रहे थे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मौका भी लिया खेड़ा और मातमोर, 3-4 जगह की। इसके बाद में 5 बार यहाँ पे मूर्ति तिराई। तो क्या शुभ संकेत है? संकेत इसका साल का अच्छा निकल पे, अगले साल भी 5 बार तिरी थी, बारिश अच्छी हुई, अब के भी बहुत बढ़िया तिरी है मूर्ति, साल के संदेश बढ़िया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।